हेलो गाइस, तो पार्ट नंबर टू के स्टार्ट में हम ये देखते हैं कि कुछ और भी लोग हैं जिनके साथ वही फिनोमेना आकर हुआ है। इसमें से एक आदमी ऐसा था जिसके हाथ में उस टाइम पर फ्रॉग था और वो बिल्कुल फ्रॉग जैसी हरकतें कर रहा था। और एक बेचारी का तो सबसे बुरा हाल था क्योंकि उसके हाथ में उस वक्त एक टर्टल था और वो टर्टल की तरह से बहुत स्लो हो चुका था। वो बिल्कुल वैसे ही बोलता था जैसे कि ज़ूटोपिया में एक स्लॉथ बोलता है। और फिर हमें एक रिसर्चर को दिखाते हैं, वो एस्ट्रोफिजिक्स में PhD था और वो उन लोगों को स्टडी कर रहा होता है। यहाँ पर वो उनको एक पते की बात बताता है और वो यही थी कि जब आप लोग सैड होते हो तभी आपके अंदर का वो एनिमल जाग उठता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जब भी सैड हो तो खुद को हंसाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो फेक लाफ्टर नहीं होना चाहिए बल्कि सच में खुश हो जाया करो, तभी आप अपने अंदर के बिहेवियर पर काबू पा सकते हो। लेकिन इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है इसके बारे में उस रिसर्चर को भी अभी पता नहीं था। फिर हमें वॉन्ग को दिखाते हैं, वो आज अपनी एक सप्लायर के पास गई हुई थी। उसे एक स्पेशल किस्म का फैब्रिक चाहिए था लेकिन वो सप्लायर देने से इनकार कर देती है कि ख़त्म हो गया है, लेकिन उसकी स्मेलिंग सेंस इतनी तेज़ थी कि उसे वहाँ पर पड़ा वो कपड़ा भी मिल जाता है। लेकिन सप्लायर देने से इनकार कर देती है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट मैं किसी और के साथ कर चुकी हूँ। उधर म्याओ के साथ तो बहुत बुरी हो रही होती है। उसके ऑफिस में एक स्वीपर थी जिसके स्वेटर में से धागा निकला हुआ था। वो एक कैट की तरह से खुद को काबू नहीं कर पाता और उस धागे को खींचने लगता है। अब वो स्वीपर नई थी, उसको पता ही नहीं था कि यहाँ का CEO है। वो तो डंडे से उसकी पिटाई ही कर देती है, वाइपर से इतना मारती है कि ये परवर्ट मुझे छेड़ रहा था। लेकिन जब बाद में उसे हकीकत पता चलती है तो वो काफ़ी शर्मिंदा होती है, लेकिन असल शर्म तो मिस्टर म्याओ को आ रही थी। आज म्याओ के ऑफिस में अचानक से वॉन्ग आ जाती है क्योंकि वो भी सैड हो गई थी। जब वो सैड होती थी तो फौरन से कॉफ़ी डॉग में बदल जाती थी। अब वो आते ही म्याओ को चिपक जाती है, उसे तंग करने लगती है, लेकिन म्याओ भी उसे कहने लगता है कि तुम आइंदा से मेरे ऑफिस में वर्क प्लेस में किसी ऐसी जगह पर नहीं आऊँगी। अब वॉन्ग को भी उसकी वीकनेस पता चल चुकी थी। वो कहती है कि अगर तुमने मेरी शॉप मुझे वापस ना की जो तुमने धोखे से खरीदी है तो फिर मैं तुम्हारा ये राज सबको बता दूंगी और उसके बाद तुम्हारा ब्रांड भी तबाह हो जाएगा। अब म्याओ को उसके आगे हार माननी पड़ती है और वो उसे खुद का वेट करने के लिए कहता है और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए चला जाता है। उसी समय वॉन्ग को रे के मैसेजेस आते हैं जो उससे पूछ रहा था कि अगर तुम फ्री हो तो हम इकट्ठे खाना खा सकते हैं। अब उसके मैसेज देखकर वो इतनी खुश हो गई थी कि वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाती है। म्याओ तो बिल्कुल एक कैट की तरह क्लेवर था, उसने बदलाव नोटिस किया था। वो उससे पूछने लगता है कि अभी तुम्हें क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम नॉर्मल हो गई हो। और फिर बातों बातों में उसे मालूम पड़ जाता है कि एक लड़के के से मैसेज आए थे और वो ये भी जान जाता है कि उस लड़के पर उसका सीक्रेट क्रश है। वॉन्ग भी उससे पूरा पूरा बदला लेती है और उस पर पानी डालने लगती है। उसे अच्छे से पता था कि मेरी कैट को इस तरह से पानी में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं। अब इसके बाद वॉन्ग मीटिंग करने के लिए उसे एक कैफे पर लेकर जाती है। ये उसी की फ्रेंड सानसान का कैफे था, वही फ्रेंड जो अक्सर हॉबी के तौर पर फॉर्चून टेलिंग भी करती थी। अब वो उसे यहाँ पर मिस्टर म्याओ के साथ देखती है तो खुश हो जाती है कि उसकी फ्रेंड को एक हैंडसम बॉय मिल चुका है। अब वॉन्ग बड़ी मुश्किल से उसे भेजती है और उसके बाद म्याओ के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट पर डिस्कशन करने लगती है। उसमें काफ़ी सारी क्लॉजेस थी और मेनली यही थी कि वॉन्ग म्याओ को तंग नहीं करेगी, इनकी ये बीमारी एक सीक्रेट रहेगी और वॉन्ग कभी भी उसकी वर्क प्लेस या फिर ऐसी जगह पर नहीं आएगी जहाँ पर उसकी वजह से कोई डिजास्टर हो सकता है। अब इसके बदले वो उसकी शॉप उसे वापस कर रहा था। यहाँ पर वॉन्ग भी अपनी पसंद की एक दो क्लॉजेज ऐड करती है और उसके बाद वो दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लेते हैं। लेकिन हमेशा से बेचारी वॉन्ग कहीं ना कहीं मार खा जाती थी। वो तो बिल्कुल एक लॉयल डॉग बनी हुई थी जबकि म्याओ वो बहुत क्लेवर था, अभी भी उसने एक कनिंग चाल चली थी। इसी कॉन्ट्रैक्ट के बीच उसने दो क्लासेस रखी हुई थी जो बातों में लगाकर उसने उसे पढ़ने नहीं दी थी, और वो यही थी कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉन्ग ने ब्रीच किया तो उसके बदले उसे अपना छोटा सा स्टोर मिस्टर म्याओ को बेचना पड़ेगा। अब उसे गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर पहले ही साइन कर चुकी थी। सानसान भी उसका ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेती है। अब वो भी उनके सीक्रेट में शरीक हो चुकी थी लेकिन वो वादा करती है कि ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। और फिर हमें रे को दिखाते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई बहाना तलाश करता था वॉन्ग से बात करने का, और आज भी उसे मैसेज करता है और उसका थैंक्स करने लगता है क्योंकि उसने उसकी एक डिश में कुछ मॉडिफिकेशन करने की रिकमेंडेशन की थी और वो बहुत अच्छी डिश बन गई थी। वॉन्ग एक दफ़ा थोड़ी पॉपुलर तो हुई थी, उसके स्टोर पर रश भी होने लगा था, लेकिन उसके पास सप्लायर की तरफ से माल की बहुत ज़्यादा कमी थी और इसी वजह से वो अपने ऑर्डर्स टाइम पर पूरे नहीं कर पाती थी। उसने ये भी सोच लिया था कि चाहे उसे नुकसान ही हो जाए लेकिन वो फैब्रिक की क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी।
अब उसका आज का दिन काफी बुरा गुजरता है और जैसे ही उसका मूड बहुत खराब होता है वो फौरन से कॉफी डॉग में बदल जाती है और भागती हुई उसी टाइम पर मियाओ के पास पहुंच जाती है जो उस समय एक जगह डिनर कर रहा था। अब वो सोचता है कि जब से बीमारी और ये मुसीबत आई है मैं सुकून से डिनर भी नहीं कर सकता, ये लड़की हर जगह पहुँच जाती है। यहाँ पर हमें एक और बात भी पता चलती है और वो ये थी कि उन लोगों के फूड टेस्ट में भी काफी बदलाव आए हैं और जो खाना उसने ऑर्डर कराया था वो पहले तो मियाओ को काफ़ी पसंद होता था लेकिन अब उसे नहीं अच्छा लगता, जबकि वोंग बहुत मज़े से वो खाना खाने लगती है। अब उस समय वो कॉफ़ी डॉग में बदल चुकी थी तो मियाओ इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाता है और उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस करता है वो बेचारी पूरी करती रहती है, इवन कि उसे अपना फ़ोन भी चेक करने देती है। अब वो देख लेता है कि ये किस लड़के से उस दिन बातें कर रही थी जब इसका मूड अच्छा हुआ था। अब वो रे की पोस्ट उसके फ़ोन पर देखने लगता है और उनके बीच खींचातानी में एक पोस्ट पर लाइक भी हो जाती है। अब ये देखकर वोंग तो बड़ी एम्बेरस होती है लेकिन फौरन से रे उसे मैसेज बैक करता है और अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है। अब ये देखकर वो इतनी खुश हो जाती है कि उसकी दूसरी स्टेट आ जाती है और वो नॉर्मल स्टेट में भागती हुई उसके पास पहुंच जाती है। अब वो क्या करती, डिनर तो उसने पहले ही मियाओ के साथ बैठ कर लिया था, रे ने तो उसके लिए इतना कुछ सरप्राइजिंगली अरेंज भी किया हुआ था। अब वो उसके सामने बहुत शर्मिंदा होती है लेकिन उसका दिल रखने के लिए उसे बहुत सारा खाना खाना पड़ता है। अब उस बेचारी का तो डबल डिनर हो गया था, बड़ी हालत ख़राब थी और यहीं पर ही रे उससे कुछ रोमांटिक बातें करना स्टार्ट कर देता है। उसे बताता है कि वो कितनी स्पेशल है और उसने उसके लिए क्या क्या स्पेशल डिशेस अरेंज की हैं, उसे माइंड में रखकर बहुत सारी डिशेस भी उसने बनाई थी। लेकिन वोंग का ये स्पेशल मोमेंट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि उसे ज़्यादा खाने की वजह से एकदम हिचकी लग गई थी। अब वो बहुत एम्बेरस होती है और जल्दी में वहाँ से निकलने लगती है। अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि मियाओ को ऑफिस में किसी बात पर काफ़ी गुस्सा आता है जिसकी वजह से वो दोबारा से कनिंग कैट में बदल जाता है। इतने में उसका सेक्रेटरी किसी एक फ्रेंड को मैसेज करना चाहता था कि आज हम बाहर में जाकर पार्टी करें लेकिन गलती से मैसेज पूरे ग्रुप को सेंड हो जाता है। अब सब देख रहे थे कि मियाओ ने जब ये मैसेज देखना है तो वो कैसे इसकी क्लास लगाता है, लेकिन सारे लोग तब बहुत सरप्राइज्ड रह जाते हैं जब मियाओ ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया था बल्कि वो कहता है अच्छा सा बार चूज करो, पार्टी मैं दूंगा। और बस फिर क्या, मियाओ बार में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है, वो तो बड़ा खुला खुला इंजॉय करना चाहता था लेकिन उसके साथ के एम्प्लॉयज उसके रूड बिहेवियर की वजह से काफ़ी डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि ये टॉन्ट कर रहा है, अगर हम इंजॉय करेंगे तो हमें बहुत डांटेगा। वो तो वहाँ से भागना चाहते थे लेकिन बस मियाओ के डर से चुपचाप वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। मियाओ उनको कहता है कि क्यों ना डांस करो तुम सारे लोग, लेकिन वो अभी भी डरे बैठे थे क्योंकि उन्हें अपने सीईओ के गुस्से से बहुत डर लगता था। इतने में मियाओ एक हाई पॉइंट पर खड़ा हो जाता है और उन सारों को इंटरटेन करने के लिए डांस करके दिखाता है। उसकी डांसिंग स्किल्स काफ़ी इंप्रेसिव थी और वो इतना हैंडसम लग रहा था डांस करते हुए कि उन सारे लोगों का मूड भी सेट हो जाता है। और बस इन दी एंड ऐसा होता है कि उसकी सेक्रेटरी कैन को अपने ड्रंक हुए बॉस को घर तक पहुंचाना पड़ता है। कैन भी काफ़ी हैरान था, वो इतने अरसे से मियाओ के साथ काम करता था लेकिन उसका ये रूप उसने नहीं देखा था। दूसरी तरफ हमें वोंग को दिखाते हैं, वो एक स्पेशल ड्रेस डिज़ाइन कर रही होती है और वो भी रे को माइंड में रखकर। वो हमेशा लेडीज़ के ड्रेसेस बनाती थी लेकिन पहली दफ़ा वो एक मैन का कोट बना रही थी। मियाओ जब नेक्स्ट डे ऑफिस में आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कल क्या हरकतें करता रहा था, बस सिर्फ इतना पता था कि उसके सर में दर्द हो रहा है। अब सेक्रेटरी भी डर के मारे उसे कुछ भी नहीं बताता। इतने में मियाओ उन दोनों को वहाँ पर बिठाता है और एम्प्लॉय से पूछने लगता है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नाराज़ हो गई है, उसे कैसे मनाया जाए। अब दोनों को साफ पता चल जाता है कि ये अपने बारे में बात कर रहा है तो वो मशवरा देते हैं कि उसको सिक्योर फील कराने के लिए आपके फ्रेंड को उसे प्रपोज करना चाहिए। अब ये आइडिया मियाओ को काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर बाद में वही दोनों एम्प्लॉयज़ देखते हैं कि वो एक ज्वेलरी स्टोर में जा रहा है, इसका मतलब है वो उसका फ्रेंड नहीं था बल्कि वो खुद ही था। अब वो जिस स्टोर में जाता है वहाँ पर सेल्स गर्ल एक रिंग की इतनी तारीफ करती है कि वो सुनते ही उसे लगने लगता है कि ये देख कर तो जिजी इनकार नहीं कर सकेगी और वो सपनों ही सपनों में उसे अपने वाइफ के रूप में देखने लगता है। अब उसके बाद दिखाते हैं कि मियाओ को एक इन्वेस्टर मिलता है, वो उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, उसने बाकी शेयर होल्डर्स को भी साथ मिलाया हुआ था और वो उस पर दबाव डालता है कि तुम ब्रांड में क्रिटिकल चेंजेस करो। वो उसको एक लग्जरी ब्रांड बनाना चाहता था और वो मियाओ का ब्रांड इस तरह का था कि जो कि रिलायबल भी था और उसके साथ साथ अफोर्डेबल भी। अब मियाओ काफ़ी परेशान हो जाता है, ये उसकी बेसिक्स थी जिस पर उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो अपनी कंपनी के अपने ब्रांड के फाउंडेशन थीम को चेंज नहीं करना चाहता था, ये देखकर वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। वह इतने में उसे याद आता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कल प्रपोज भी करना है तो यही चीज़ वो अपने स्केड्यूल में एंटर कर लेता है, लेकिन ये वो भूल गया था कि उसका स्केड्यूल उसके ड्राइव पर उसकी सेक्रेटरी के साथ एसोसिएटेड है, ये सब उसकी सेक्रेटरी को भी पता चल जाता है।
अब केन अपने साथ ली को मिलाता है और कहता है कि हमें ही अपने बॉस के लिए अच्छा सा वेन्यू और सारा सेटअप डिजाइन करना पड़ेगा। अब मजे की बात है कि वो लोग रे के ही रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं और वहाँ पर डिटेल से डिस्कशन करते हैं। उनको वो आइडियाज बहुत पसंद आए थे जो रे ने प्रपोजल के लिए उनके लिए सजेस्ट किए थे। अब ये सारा कुछ पीछे से आई हुई वॉन्ग भी सुन रही होती है और सपनों सपनों में सोचती है कि किसी दिन इसी तरह से रे मुझे भी प्रपोज करेगा। वेल, उसके बाद रे और वॉन्ग दोनों बाहर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। रे के लिए ये जगह बहुत स्पेशल थी, वो अक्सर अपने डैड के साथ वहाँ पर बचपन में भी आया करता था। वो दोनों इकट्ठे काफ़ी इंजॉय करते हैं और इन दी एंड रे वॉन्ग से रिक्वेस्ट करता है कि एक दिन तुम मेरी मम्मी से भी ज़रूर मिलना। वॉन्ग काफ़ी घबराती है लेकिन उसे इनकार नहीं कर पाती। अब यही बात जब वॉन्ग की फ्रेंड सांसान को पता चलती है तो वो कहती है कि वो वेल्दी वाली आंटी यकीनन तुम्हें पसंद कर लेंगी लेकिन तुम्हें खुद में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। अब वो उसके साथ जाती है, उसकी प्रैक्टिस कराने लगती है कि तुमने आंटी के साथ डिनर कैसे करना है और अपनी होने वाली सासू माँ को इम्प्रेस करने के ट्रिक्स बताती है। उधर म्याओ अपना खाना भी खा रहा था और साथ साथ मज़े से फिश को भी देखे जा रहा था। इतने में केन और ली आकर बताते हैं कि हमने आपके लिए सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया है। इन दी एंड पता चलता है तो म्याओ कहता है ये मेरे लिए नहीं, मेरे फ्रेंड के लिए था और मैंने गलती से ड्राइव पर डाल दिया था। अब वो भी उसे यही कहने लगते हैं कि आपका फ्रेंड बहुत स्वीट है इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसको यकीनन इनकार नहीं करेगी। म्याओ भी खुश हो गया था, उसके हिस्से का काम उसके एम्प्लॉयज ने कर दिया था और रिंग तो वो पहले ही खरीद चुका था। म्याओ अपने पेरेंट्स को कॉल करके यही बताता है कि आज मैं प्रपोज करने वाला हूँ और उस गर्लफ्रेंड को मैं अपने साथ स्प्रिंग फेस्टिवल पर आपसे मिलाने ज़रूर लाऊंगा। अब वॉन्ग भी रे के रेस्टोरेंट में आई हुई थी, उसने भी आज आंटी के साथ डिनर करना था। वो काफ़ी खुश होती है और वहाँ पर एक इटालियन शेफ भी होता है जो रे का फ्रेंड भी था और वो अक्सर शरारतें भी करता रहता था। वॉन्ग पहले तो काफ़ी खुश थी लेकिन जब वो वहाँ पर म्याओ को देखती है तो लगता है कि उसकी खुशियों को नज़र लग गई है। म्याओ भी उसे देखकर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि कुछ भी हो तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भूल गया है क्या। लेकिन वॉन्ग भी कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मेरा एक इम्पॉर्टेंट डे है, मैं एक आंटी को मिलने के लिए आई हूँ। म्याओ भी शार्प कैट था, उसे फौरन पता चल जाता है कि ये आंटी उसकी अपनी आंटी नहीं बल्कि उसके क्रश की मम्मी है। अब इन दी एंड यही डिसाइड होता है कि वॉन्ग एक ऐसी सीट पर बैठेगी जहाँ से वो जिजी को बिल्कुल नजर नहीं आएगी। वेल, अब थोड़ी देर बाद आंटी वहाँ पर आ जाती हैं। वो वहाँ पर उसके कपड़ों पर एक कैट हेयर देखती है तो उन्हें पता चल जाता है कि इसके पास कैट है। उनका मूड थोड़ा सा खराब हो गया था। अब वो उसी की सीट पर बैठ जाती है। अब वॉन्ग ने तो शर्त लगाई थी कि वो उसी सीट पर बैठेगी तो वो आंटी को वहाँ से उठाने की कोशिश करने लगती है। अब जो रहा सहा इम्प्रेशन था वो और भी बुरा पड़ता है। अब रे कुछ सेटल कराता है और वॉन्ग को उनकी बाजू वाली सीट पर बिठा देता है। जबकि उसी समय हमें दिखाते हैं कि म्याओ के पास जिजी भी पहुंच चुकी है। वो पहले तो उसे एक नेकलेस का गिफ्ट करता है, उसके बाद बहुत सारी रोमांटिक बातें करता है और कहता है कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। जबकि उधर वॉन्ग का टाइम बहुत बुरा आया हुआ था, आंटी को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी और वो रे को कहती है कि मुझे वापस ड्रॉप करके आओ। अब ये देखकर वॉन्ग के अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आती है और वो फौरन से कॉफी डॉग में बदल जाती है। वो मुड़कर देखती है तो म्याओ उसे प्रपोज करने वाला था। वो खुद को बहुत काबू में रखने की कोशिश करती है कि मैंने वहाँ नहीं जाना, मैंने उसकी डेट खराब नहीं करनी। और फिर उधर दिखाते हैं कि म्याओ ने उसके सामने रिंग प्रेजेंट कर दी है। इतने में म्यूजिशियंस भी पहुंच जाते हैं लेकिन जिजी कोई खास सरप्राइज या टची नहीं नजर आ रही थी। म्याओ नील डाउन करता है, उसे कहता है विल यू मैरी मी, लेकिन वो कोई भी आंसर देती उससे पहले ही वॉन्ग बेकाबू होकर अपने यंग मास्टर के पास पहुंच जाती है। अब उसे देखते ही जिजी का मूड खराब हो जाता है और वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। अब वॉन्ग बेचारी बहुत सॉरी करती है कि मैंने खुद को काबू करने की बहुत कोशिश की, मेरा बस नहीं चला। म्याओ भी बहुत गुस्से में था, वो उसे कहता है कि बस तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझसे कोई बात ना करो। अब वॉन्ग भी कॉफ़ी के मूड में थी तो उसे उसकी हर बात माननी पड़ती है। वो बाहर खामोशी से जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है जबकि म्याओ सैड सैड सा खड़ा होकर बस उस रिंग को देख रहा होता है कि किसी की टक्कर से वो रिंग उसके हाथ से गिरती है और जाकर वॉन्ग के पैरों में गिर जाती है। अब ये शायद किस्मत का इशारा था कि ये रिंग किसी और की नहीं बल्कि वॉन्ग की ही है। और बस यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।